Now, check this question. In this question, R is given this and we have these functional dependencies and they are asking whether this R is in 2NF or not. Let's say candidate key given नहीं है, तो पहले candidate key find out करनी है. मैंने आपको बताया कि देखो RHS के अंदर हमारे पास में A और C दोनों नहीं है, तो candidate key में A और C तो होना ही चाहिए. तो हमने let's say A और C का closure निकाला, तो A, C, B, A, C तो आ ही जाएगा, A से B आ जाएगा और B से E आ जाएगा और C आ गया तो D भी आ जाएगा. And we have found out that कि A, C के combination से सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आ गए हैं. अब ए सी इज द मिनिमम कैंडिडेट की, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ऐड करूंगा तो वो सुपर की बन जाएगी. ठीक है, ए सी वॉज नॉट अवेलेबल इन आर एच एस, सो आई फाउंड आउट दैट क्लोजर एंड इन टर्न्स आई गॉट द कैंडिडेट की एज ए सी. अब इसके अंदर कुछ भी ऐड करूंगा तो सुपर की बन जा रही है, इसीलिए सिर्फ यही कैंडिडेट की पॉसिबल है. अब देखो यहां पे ए इज पार्ट ऑफ अवर कैंडिडेट की, तो ये क्या है, पार्शली फंक्शनल डिपेंडेंट. बी इज नॉट पार्ट ऑफ अवर कैंडिडेट की, तो ये तो हमारी फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है, हमें इसको छेड़ना ही नहीं है. देन सी इज पार्ट ऑफ अवर कैंडिडेट की, तो ये क्या है, पार्शली फंक्शनल डिपेंडेंट. तो अब देखो ये वाली है वन और ये वाली है लेट्स से टू, तो वन और टू की वजह से दिस इज नॉट इन टू एन एफ, नॉट इन टू एन एफ. ओके, हम इस क्वेश्चन को अब थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं. अगर ये 2NF में नहीं है तो हमें कन्वर्ट करना है 2NF में. कैसे करेंगे, तो जो हमारी पार्शली फंक्शनली डिपेंडेंट हैं उनको लिख लीजिए. तो केवल यही दो हैं, ये तो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है. क्यों, क्योंकि B इज नॉट पार्ट ऑफ अवर कैंडिडेट की, तो हमने सिर्फ इन दो को लिखा. अब इसके LHS का क्लोजर निकालना है और इसके LHS का क्लोजर निकालना है. देखो A का क्लोजर A, B और B से E, सिर्फ यही आएगा. देखो A, B और B से E, तो ये आ गया. तो इसके अंदर A से B और B से E, ये दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारी कवर हो गई. C का क्लोजर C और D, बस यही आएगा. तो इसके अंदर केवल C से D वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी कवर हो गई. ओके, नाउ चेक कि इसमें कैंडिडेट की क्या होगी, इन दोनों के लिए कैंडिडेट की होगी A, क्योंकि A क्लोजर निकालने पे A, B और E पूरा का पूरा रिलेशन आ जा रहा है, आ रहा है ना ये पूरा रिलेशन. तो हमने क्या किया, A यहां पे पूरी की पूरी कैंडिडेट की है और B इज नॉट पार्ट ऑफ अवर कैंडिडेट की, तो ये क्या है हमारा 2NF में. कैसे, हमने एक रिलेशन लिया A, B, C, D, E, उसको हमने ब्रेक किया R1 में और R1 में A अपने साथ B और E को ले जा रहा है, तो B और E को ले जा रहा है A अपने साथ, जिसको अपने साथ ले जा रहा है कैंडिडेट की, जिसको अपने साथ ले जा रहा है सिर्फ उन्हीं को कट किया, लिखा कैंडिडेट की को भी. ठीक है, और इस रिलेशन के अंदर ये दो एफ डीज थी, ये दोनों की दोनों 2NF में है, हमने यहीं पे चेक कर लिया. नाउ चेक दिस कि C क्लोजर अगर निकालेंगे तो C और D दोनों आ जाएगा, विच इज इक्वलेंट टू अवर दिस रिलेशन. तो C अपने साथ D को ले गया, C इज टेकिंग D अलोंग, तो हमने क्या किया, C और D का एक अलग रिलेशन बना दिया R2. ओके, अब जो बाकी बच गया, क्या बचा हमारे पास, A और C, हमने उसका रिलेशन बना दिया अलग से. ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर A से B यहां कवर है, B से E यहां पे कवर है, C से D यहां पे कवर है और A से C के लिए कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास यहां पे नहीं है. ये तीन फंक्शनल डिपेंडेंसी थी, तीन, तीनों में से तीनों की तीनों हमारी यहां पे कवर हो गई. तो ये क्या है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग. अगर कोई नहीं कवर होती तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का चेक करते, लेकिन यहां तो कवर हो गई है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है. और क्या लॉसलेस है, तो लॉसलेस चेक करने के लिए आपको पता है, देखो यहां पे इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो चेक करके कोई फायदा नहीं है. R1 और R3 का चेक करो, तो इसमें A और A कॉमन है, तो A इज ए कैंडिडेट की फॉर R1, दैट्स वाई R1 एंड R2 आर लॉसलेस. इसमें और इसमें R2 और R3 में कॉमन क्या है, C, एंड C इज ए कैंडिडेट की फॉर R2, तो दोनों ये वाली और इसके साथ, ये वाली इसके साथ चेक हो गई, सारी की सारी आपस में चेक हो गई है एंड दैट्स व्हाई इट इज लॉसलेस. अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो लंबे तरीके से
R1 intersection R3, R2 के साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि कुछ भी नहीं आएगा, phi आएगा, तो gives you R1 minus R3 और R3 minus R1. देखो R1 क्या है हमारे पास, A B E intersection R3 is AC gives you A B E minus AC और AC minus AB. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, A gives you, यहां पे तो आएगा हमारे पास BE, और A gives you, इन दोनों से आएगा हमारे पास C. A से BE ये वाली हमारे पास है, ये वाली A से C तो हमारे पास नहीं है कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी, बट A से BE कैसे है, देखो A से BE, A से B और B से E, तो मैं ये भी कह सकता हूं A से E हो जाएगा ट्रांजिटिविटी के थ्रू, तो A से B, A से E दोनों का कंपोजिशन करोगे तो A से BE आ जाएगा, तो ये हमारे पास अवेलेबल है, तो दैट्स व्हाई दे आर इन, दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो दे आर इन लॉसलेस. अब R2 और R3 का चेक कर लो, इसका और इसका तो चेक कर चुके हैं, इसमें और इसमें कुछ हो नहीं सकता, तो R2 और R3 का चेक करो, तो R2 intersection R3 gives you R2 minus R3 और R3 minus R2. ये लंबे वाला मेथड मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें. बाकी मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो कर लीजिए. मैं फिर भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार शॉर्टकट वाला मेथड ज़रूर सीखें, ठीक है. ये मैंने लिख दी सारी वैल्यूज, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, सी गिव्स यू, यहाँ पे मिलेगा आपको डी और यहाँ पे मिलेगा आपको ए, तो आपको सी से डी ये वाली मैच हो गई, तो ये भी ट्रू आ गया, ट्रू आ गया, तो इसका मतलब देखो दोनों अगर ट्रू हुई है तो लॉसलेस, दोनों मतलब ये चेक अलग है, ये चेक अलग है, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो ये तो हमारे पास नहीं है, फॉल्स है, ये वाली हमारे पास नहीं है, फॉल्स है, ये वाली हमारे पास है, ठीक है, तो ये लॉसलेस आ गया है, तो ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है और लॉसलेस भी है. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल सी 3NF एंड देन वी विल गो विद मेनी मोर क्वेश्चंस. इसमें एक नोट और लिख लीजिए लास्ट में, डीकंपोजिशन इंटू 2NF will not guarantee lossless decomposition. ये क्यों लिख रहे हैं, देखो हमने यहां पे चेक किया कि ये lossless आ रहा है, हमारा जो original R given था वो 2NF में नहीं था, तो हमने क्या किया, उसको divide किया R1, R2 और R3 में. divide करने का तरीका क्या था, जो हमारी partially functional dependent FDs थी उनके LHS का हमने क्लोजर निकाला और उनके अलग अलग रिलेशन बना दिए R1, R2, R3, जो बाकी बची थी वो R3 में डाली थी, ठीक है. और इसमें ये लॉसलेस होगा इस बात की गारंटी नहीं है, डीकम्पोजिशन इंटू 2NF विल नॉट गारंटी लॉसलेस डीकम्पोजिशन. ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब हम 3NF पढ़ेंगे तो 3NF अगर कोई नहीं होगा और उसको डीकम्पोज करेंगे 3NF में, तो इट विल गारंटी लॉसलेस डीकम्पोजिशन. तो याद रखिए 2NF का डीकम्पोजिशन गारंटी नहीं है लॉसलेस की, 3NF में गारंटी है लॉसलेस की, तो वो 3NF की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.